तक सभी पार्टी के द्वारा सभी दल के द्वारा सभी पार्टी के द्वारा एक मत होके इस मिशन पे एकजुट होके इस मिशन को उन लोगों ने सराहा है और सभी दल सभी पार्टीज ने इसको एक्सेप्ट किया है कि इस मिशन को आगे जाना है। एवं हरियाली मिशन, जल जीवन हरियाली, अर्थात जल और हरियाली में ही जीवन है। जल जल की इसलिए क्योंकि जल आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको सभी पता है बिना जल के तो कुछ नहीं हो सकता, ना आपका ना पेड़ पौधों का ना अपने पशु किसी का भी नहीं हो सकता। हरियाली पेड़ पौधे इसलिए जरूरी है, आप सभी लोग जानते हैं, स्वस्थ हवा के लिए, स्वच्छ हवा के लिए, आपके लिए, वातावरण के लिए। तो ये क्यों चलाया जा रहा है मिशन, निर्देश दिए गए हैं सीएम सर की डीसी में भी हमें निर्देश मिले हैं। पहला सबसे पहले कि सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। जैसे आप सभी लोगों ने, हमारे जनप्रतिनिधि जो है माननीय जनप्रतिनिधि सभी ने शराबबंदी का जो शराबबंदी के विरुद्ध जो अभियान चलाया था, एकजुट होके मिलके सबने आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था वो बहुत। उसके बाद बाल विवाह के विरुद्ध, कन्या विवाह के विरुद्ध, भ्रूण हत्या के विरुद्ध, तो जितने भी आपके अभियान चल रहे हैं आप सभी लोगों के सहयोग को हो पाए, तो इसको भी एक अभियान के रूप में सभी एकजुट होके इसको चलाना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे जितने भी मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कर्मी हैं और जितने भी विभागीय स्तर के कर्मी हैं, सब मनरेगा के द्वारा हम जितने भी पोखर, तालाब, पैन, जल स्रोत हैं उनका हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं कहां कहां है, जिससे कि उनको बचाने की कार्रवाई प्रारंभ हो सके। उसके बाद छोटे तालाब जो है उसमें उड़ाही का कार्यक्रम चालू करेंगे, वो पंचायत स्तर से होगा। बड़े तालाब में विभाग स्तर से होगा, हो गया पैन, हो गया आहर, हो गया तालाब वगैरह हो गया, इनके ऊपर जो है हम देख रहे हैं कि अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। ये पुराने जो हमारे पारंपरिक जल स्रोत हुआ करते थे उससे वहाँ के आसपास के पशु वगैरह और वहाँ का जो जल जीवन है वो नियंत्रित रहता, लेकिन ये सब जो है अतिक्रमित हो रहे हैं या छोटे हो रहे हैं, पानी रुक नहीं रहा है, इस वजह से इनको भी हमें आपको संरक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपको सभी को पता है क्लाइमेट चेंज की जो बातें होती है, जलवायु परिवर्तन जो चल रहा है उस वजह से वर्षा में अनियमितताएं हो रही है, किसी साल ज्यादा आता है, किसी साल कम आता है, कभी सुखाड़ की स्थिति हो जाती है, कभी ज्यादा पानी हो जाता है, तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे वृक्षारोपण जैसा बता दो भी आपने बताया बहुत। ATN Live.